वीडियो में हम चर्चा करेंगे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आई नोटिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो नोटिस है वो किस संबंध में है, आपकी पीएचडी एडमिशन सितंबर 2024 के रिजल्ट के संबंध में, ठीक है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किया था, तो उन स्टूडेंट को काफ़ी इंतज़ार था रिजल्ट का, तो उन लोगों का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और ये रिजल्ट आज ही दिया गया है। तो हम देख लेते हैं किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो एक तरफ लिखे गए हैं, दूसरी आपकी कैटेगरी, प्री एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम एंड क्या आपकी सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर बात करें अकाउंट एंड लॉ की, तो इसमें देखिए दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिनका नाम है जीतू कुमार और शिखा जैन का, ठीक है। वही अगर हम बात करें अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसमें देखिए एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है संजीत कुमार का। अगर बात करें बॉटनी की, तो देखिए बॉटनी में किसका सिलेक्शन हुआ है, हर्षित मंगल का। उसके बाद केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में तीन स्टूडेंट का सिलेक्शन है, देव, ऋचा, राशि, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन है किस में हुआ है, केमिस्ट्री में। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है प्रियंका चौहान का। कंप्यूटर साइंस में तीन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिसमें तमन्ना है, अमूल है और रश्मि सिंह है, ठीक है। ड्राइंग पेंटिंग में देखें तो ड्राइंग पेंटिंग में देखिए प्रियांशी शर्मा का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स विषय में देखिए गौरव अग्रवाल का सिलेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन में अच्छा खासा स्कोर है, काफ़ी स्टूडेंट एजुकेशन से लिए गए हैं। तो किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें देखिए किरण लोधी हैं, अमित हैं, अंजलि हैं, आशीष हैं, संगीता हैं, लविशा हैं, कौटिल्य हैं, डैजी हैं, सैली हैं, अंकिता गौतम हैं, सुचि जैन हैं, विवेक यादव हैं, ठीक है। तो इन स्टूडेंट का सिलेक्शन किस में हुआ है, एजुकेशन में। वहीं हम बात कर लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, उपासना, सोनवीर, एक राम, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन है, श्रुति का और धारणा का। बात करें हिंदी की, देखिए हिंदी में चार स्टूडेंट का ही सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें निशु चौहान, चंचल, सुमित यादव और ज्योति, इनका सिलेक्शन देखिए हिंदी में हुआ है। होम साइंस में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिसका नाम है खुशबू। मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट में किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, अपूर्वा सत्संगी का, अनामी भगत का, रुचि गुप्ता का, कामनी अग्रवाल का, इनके साथ ही हुकम सिंह का, अपूर्वा सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रतिमा, मयंक भारद्वाज, तो इनका सिलेक्शन हुआ है मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें देखिए दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, लव कुमार का और राजश्री प्रकाश का, ठीक। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक सितार वोकल में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, शोभा श्रीवास्तव, कुमकुम भगेल का, ठीक है। फिजिक्स में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन है, ऋत्विक राज का और ज्योति सिंह का, ठीक। साइकोलॉजी में धुन सत्संगी का सिलेक्शन है। उसके बाद देखें जूलॉजी, तो देखिए जूलॉजी में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, किस किन किन का है, दिव्या और भावेश्वरी यादव, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन दयाल बाग यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हुआ है, तो इन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात देखिए आगे कैसे प्रक्रिया रहेगी, वो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीस को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, तो यहाँ पर दिया भी गया है कि ऑनलाइन जो फी कलेक्शन होगा, तो यहाँ पर डेट भी दी हुई है 6 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर SBI वेब की जो वेबसाइट है उसको भी दे दिया गया है, ठीक है, फी सबमिट की। बाकी कोई भी आपको इशू हो तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपका समाधान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में यही बताना था कि जिन अभ्यर्थियों ने दयाल बाग यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए आवेदन किए हैं और उन स्टूडेंट को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि कब पीएचडी का रिज़ल्ट आएगा, तो उन लोगों के लिए ये रिज़ल्ट आ चुका है। आप देखकर बताइए किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएँ कि किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी से हुआ है। और ऐसी ही कोई नोटिफिकेशन हमें इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के संबंध में देखने को मिलेगी तो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।